ये है रबर पेंट स्प्रे कैन और इसको मैंने टेस्ट किया है अपनी टाटा नेक्सॉन के बम्पर पे। ये जो फॉग लैम्प के नीचे वाला पार्ट है ये मैंने स्प्रे पेंट किया है जो कि वाइट कलर में आता है, और ये राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ये ओरिजिनल ऐसा दिखता है और इसको मैंने पेंट कर दिया है। सो ये है दोनों में डिफरेंस। और मैंने डिसाइड किया है कि कार पे जितना भी वाइट कलर का पार्ट है उन सबको मैं स्प्रे पेंट करूँगा ब्लैक कलर से। ये मैट ब्लैक कलर है, इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आपको कैन को 2 मिनट के लिए आपको शेक करना होता है ताकि अंदर का जो पेंट है वो मिक्स हो जाए अच्छे से, और आपको सीधा स्प्रे कर देना है। जिस भी पार्ट पे आप इसको स्प्रे कर रहे हो उस पार्ट को अच्छे से आप पहले क्लीन कर लो, उसके बाद ही इसको स्प्रे करना है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ये नॉर्मल पेंट नहीं है, ये रबर पेंट है। रबर पेंट को आप कभी भी रैप की तरह उतार सकते हो, ये इजीली रिमूव हो जाता है, और इसीलिए मैंने कहीं पे भी मास्किंग नहीं किया है क्योंकि ये इजीली रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने फॉग लाइट पे भी इसलिए स्प्रे किया है क्योंकि मेरे जो फॉग लाइट हैं वो ऑलरेडी ग्लास बर्न हो चुका है। मैंने 55 वॉट के बल्ब यूज़ कर लिए थे और इसलिए फॉग लाइट मेरे लिए वेस्ट है अब, और इनकी जगह पे मैं प्रोजेक्टर रिप्लेस करूँगा, सो इसलिए इनके ऊपर स्प्रे कर दिया है अभी। एंड फ्रंट पार्ट इज़ कम्प्लीटली डन, और अब हम जाएंगे रियर की तरफ। और रियर कुछ ऐसा दिखता है, फुल्ली ये जो वाइट पार्ट है इसको कम्प्लीटली हम स्प्रे पेंट करके ब्लैक करेंगे। पेंट जो है वो मैट ब्लैक है, तो जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक वो ग्लॉसी फिनिश देगा, बट एक्चुअल में वो मैट ब्लैक है। हर पार्ट पे स्प्रे जो है वो 2 से 3 लेयर में करना है ताकि लेयर जो है वो थोड़ी थिक हो जाए, और उससे उसको रिमूव करने में बहुत आसानी होती है। ये कैन आपको इजीली 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक में मिल जाएगी, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं इसको। एंड रियर पार्ट इज ऑल्सो डन। और अभी ये थोड़ा सा ग्लॉसी है बट ये ड्राई होने के बाद ये कंप्लीटली मैट ब्लैक कलर में दिखेगा।
और फ्रंट पार्ट में बस एक हमारा क्रोम वाला ये पार्ट रह गया है, इसको भी मैं स्प्रे करूँगा। और कुछ ऐसा दिख रहा है ये स्प्रे होने के बाद। फ्रंट पार्ट कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और ये आ गई है इसकी मैट लुक, काफ़ी स्मूथ है सरफेस। और एक बार इसको डे टाइम में और देखेंगे हम। और कुछ ऐसी दिख रही है कार डे टाइम में। हमने ये ग्रिल का ऊपर का पार्ट जो है ये भी पेंट किया है लोगो, प्लस ये नीचे जो क्रोम था इसको, और बम्पर के फॉग लैम्प के पार्ट को पूरा हमने मैट ब्लैक में पेंट किया है। उसके बाद हमने साइड में जो वाइट पार्ट था उसको पूरा कम्प्लीटली पेंट किया है, और सेम रियर में भी जितना वाइट पार्ट था उसको हमने कम्प्लीटली पेंट कर दिया है।